अमित शाह जी की एक्सपर्टाइज जो है वो होम मिनिस्ट्री चलाने में नहीं है, ये भी जग जाहिर है। उनका मेन काम इलेक्शन जीतना है और इस प्रकार से इलेक्शन जीतना है जिससे देश में देशवासियों को आपस में लड़ाया जा सके, एक खास वर्ग के प्रति नफरत पैदा की जा सके। तो बेशक अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उनकी ज़रूरत है तो वो उन्हें इलेक्शन जीतने में लगाएं, उनकी पूरी ताकत इलेक्शन जीतने में लगाएं, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता जो है वो बहुत ही सीरियस बात है। उस जय भीम, सभी देशवासी इस बात को बहुत गौर से सुने कि कल इकोनॉमिक टाइम्स में और आज बहुत सारे दूसरे भी प्रेस के माध्यम से ये पता लग रहा है कि 30 अगस्त यानी पिछले महीने की 30 तारीख को चाइनीज़ घुसपैठियों ने उत्तराखंड में भी अपनी घुसपैठ की कार्रवाई बड़े तौर पर शुरू कर दी है। करीब 100 चाइनीज़ फोर्सेस और करीब 50 से भी ज़्यादा घोड़े ना सिर्फ उत्तराखंड की सीमा में घुस के आए बल्कि उन्होंने एक ब्रिज भी तोड़ा, ऐसी खबरें आ रही हैं पब्लिक डोमेन में। ये बहुत ही सीरियस बात है। अब जो उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा करने की या उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी ITBP की है और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो चौकीदारी का काम करते हैं बॉर्डर्स पे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आते हैं। और ये बात जग जाहिर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम हमारे माननीय अमित शाह जी के कंट्रोल में आती है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी की एक्सपर्टाइज जो है वो होम मिनिस्ट्री चलाने में नहीं है, ये भी जग जाहिर है। उनका मेन काम इलेक्शन जीतना है और इस प्रकार से इलेक्शन जीतना है जिससे देश में देशवासियों को आपस में लड़ाया जा सके, एक खास वर्ग के प्रति नफरत पैदा की जा सके। तो बेशक अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उनकी ज़रूरत है तो वो उन्हें इलेक्शन जीतने में लगाएं, उनकी पूरी ताकत इलेक्शन जीतने में लगाएं, लेकिन देश की सुरक्षा से समझौता जो है वो बहुत ही सीरियस बात है। उस काम पे कम से कम अगर उन्हें हटाया नहीं जा सकता पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से तो मैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, जनरल विपिन रावत साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से, डिफेंस सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सभी अम्बेडकरवादियों की ओर से कि होम मिनिस्ट्री के काम पर ख़ास तौर पर बॉर्डर्स की निगरानी के लिए को सुपरवाइज करें डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के भरोसे ना रहें। और मैं सभी अम्बेडकरवादियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग भी और सभी ईमानदार अफसर विजिलेंट, एकदम विजिलेंट और तैयार और होशियार रहें, किसी भी ऐसी घटना को फौरन रिपोर्ट करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात और बुरी बात जो है वो ये है कि एक तो इस प्रकार की घटनाओं को छुपाया जाता है। अब आज ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ गया लेकिन इस बारे में देशवासियों को पता ही नहीं था, कल इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया। तो अपने कारनामे जो कमजोरियां हैं वो छुपाना भी इस सरकार की एक सबसे बड़ी खूबी है। डेटास को बदलना, चीज़ें छुपाना जनता की नज़र से, प्रेस और मीडिया पे दबाव भी बनाना, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे मीडिया को बिल्कुल ही अपने कब्जे में कर लेना, ये ऐसे टूल्स हैं जिससे देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ये बात जनता को पहले से पता होती कि चाइना उत्तराखंड में भी अब इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर रहा है तो शायद जनता और जागरूक रहती, लोग भी जागरूक रहेंगे, जो बॉर्डर पे एरिया पे हमारे भाई बहन रह रहे हैं वो भी ज़्यादा जागरूक रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री पे, जब तक कि अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं ये बात ना छोड़ी जाए, ऐसा ही मैं सब ईमानदार अफसरों से, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी, आपको तो कम से कम इस बारे में ख्याल रखना चाहिए, और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है हमारा, रक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, रक्षा सेक्रेटरी से निवेदन है, होम सेक्रेटरी से निवेदन है, जनरल विपिन रावत से निवेदन है, आर्मी चीफ से निवेदन है कि इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाए और चाइना को किसी भी प्रकार से इस तरह की घटना करने से रोका जाए, आगे भी अपने पूरे बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। जय भीम, जय भारत।